देखिए ये थंबनेल में आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2023 एस्पिरेंट्स, किस ब्रांच के, सिविल इंजीनियरिंग के। देखो बहुत जीपीएससी के बच्चों ने मुझे कहा कि सर टेस्ट सीरीज ले आओ, टेस्ट सीरीज ले आओ। मैंने उनके लेके आया टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लेके आया। अब गेट के बच्चे भी रिक्वेस्ट करने लग गए, सर हमारे लिए भी कुछ फ्री कंटेंट लेके आइए। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारे लिए भी फ्री कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, मॉक टेस्ट सीरीज से तुम लोग के लिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट तुम लोग को पहले फ्री पढ़ाया हुआ जियोमेटिक्स मैंने, ठीक है, अब फ्री मॉक टेस्ट लेके आया हूं। ठीक है, देखो जनरली लोग क्या करते हैं ना, आपसे मॉक टेस्ट का चार्ज लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी अकेडमी का उठा के देख लो, आपको बोलेंगे भैया अपना एडमिट कार्ड अपलोड करिए, ठीक है, अपना रोल नंबर डालिए, तब जाके आपके मॉक टेस्ट ओपन होते हैं। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे आपको सिंपल क्या करना है भैया, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में जिसमें गेट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, एग्जैक्टली वही फॉर्मेट। ठीक है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 65 क्वेश्चंस मिलेंगे ओवरऑल। ठीक है, और आप जब आराम से सुकून से बैठ के देंगे ना उस पेपर को, आपको मजा आ जाएगा। ये मॉक टेस्ट आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। बट कैसे आपको इस मॉक टेस्ट के रजिस्टर करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, क्या शेड्यूल है, इन सब के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहां लिखा हुआ है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2023 सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। करना क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड की हुई है, वहां जाइए, क्लिक करिए, अपनी रजिस्ट्रेशन को वहां पर डालिए और मेरी टीम आपको कॉल करेगी और हमारे बैचेस में जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल का बैच है वहां पे आपको रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, और आपको बता देंगे भैया कब कब कैसे कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नाउ अगर आपको लिंक पे क्लिक करने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये नंबर है आपके सामने, आप इस नंबर पे कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं। नाउ अब देखिए बेटा, मॉक टेस्ट का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि भैया आपका जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पहला होने वाला है, ठीक है, वो होगा 1 जनवरी को, यानी न्यू ईयर के दिन। टाइमिंग विल बी 11 to 2। ठीक है, टाइमिंग फिक्स रखा है 11 से 2 बजे तक का, क्योंकि ये आपका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। यहां पे आप सुकून से उठ जाओगे, आराम से नहा धो लोगे, अपना खाना वाना खा के फिर आप पेपर लिखने आराम से बैठेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड मॉक टेस्ट जो आपका है वो है 8 जनवरी को, थर्ड जो है आपका वो है 15 जनवरी को, एंड लास्ट जो आपका फोर्थ मॉक टेस्ट है दैट इज 22 जनवरी को। नाउ मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखिए सब बच्चों ने गेट की 1 साल 1.5 साल पहले से तैयारी कर रहे हो गए। देखो स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारा कौन सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सब्जेक्ट वीक है, बट जो मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट है, जैसे आपका हो गया मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जियोटेक हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। अब अगर आपके ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हैं और आपको लगता है कि मेरा तो भैया इस बार ना कहीं 75-80 मार्क्स तक आ रहा है, तो भैया आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट कभी भी सब्जेक्ट टेस्ट से आप नहीं कर पाओगे, कभी भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट से आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते, कभी भी आप मिक्स सब्जेक्ट से नहीं कर सकते। आपको टेस्ट अगर करना है कि भैया आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से कर पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट एग्जैक्टली वैसे ही डिजाइन किया जाता है जैसा आपका गेट का पेपर आने वाला है, एग्जैक्टली हूबहू वैसे का वैसा। ओके, नाउ इस मॉक टेस्ट में एलिजिबल कौन रहेगा ना, वो बच्चे जो 25 दिसंबर को रात में 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड की हुई है, आपको जाना है और गेट मॉक टेस्ट पे आपको रजिस्टर कर देना है। ठीक है, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको बैच के अंदर रजिस्टर कर देगी। नाउ जो बच्चे भी 25 दिसंबर के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नहीं लिया जाएगा इस बैच के अंदर। ठीक है, फिर आपके लिए ये पूरा का पूरा सीरीज पेड हो जाएगा, अभी फ्री रखा हुआ है, बाद में आपका ये पूरा का पूरा पेड हो जाएगा। नाउ अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन लिंक से भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये 2 नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आप यहां जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कुछ लिखा है आपके लिए, देखिए क्या लिखा है मैंने, किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है। क्या किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है गेट की, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है और इस बार तो भैया अपना आ रहा है ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आने वाला है, तो ये आप अपने ख्याली पुलाव को पका रहे हैं। ठीक है, देखो गेट का पेपर इतना भी आसान नहीं होता कि भाई आपने सोचा और आपका ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे आ जाए। ठीक है, इतना भी आसान नहीं होता। और अगर किसी को ऐसा घमंड है भाई कि आपको ऑल इंडिया रैंक आपका अंडर 100 आने वाला है, कुछ मत करिए, मॉक टेस्ट देके देख लीजिए, मॉक टेस्ट देके देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और भाई हमेशा ना किसी बड़े बैटल में उतरने से पहले उसकी पहले तैयारी कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, एक क्रिकेटर भी होता है ना,
अगर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है तो उससे पहले खूब प्रैक्टिस करेगा भाई, उसके पहले खूब प्रैक्टिस करेगा तब जाके वर्ल्ड कप फाइनल में वो रन बना पाएगा। ठीक है, तो भैया आपका भी वर्ल्ड कप फाइनल कौन सा है? आपका 2023 का गेट का पेपर, उसके लगे प्रैक्टिस करनी। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो। मॉक टेस्ट अगर आपने कर लिया तो काम हो जाएगा। तो भाई यहां पे मैंने लिखा ही हुआ है आपके लिए, किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। यानी जो अपने एग्जाम के लिए मेहनत करेगा वही अपनी किस्मत बदल पाएगा। जो बैठकर सोच रहा है ना भैया, ख्याली पुलाव पका रहा है कि भैया मेरा तो ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे आने वाला है, उसका नहीं हो पाएगा, उसका कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कोई बच्चा अगर लोकल बड़ोड़ा का है तो वो भैया यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, सेंटर विजिट करके, दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस एंड दिस इज अवर ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर, आप यहाँ पे भी आके विजिट करके भी अपना रजिस्ट्रेशन डन कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके लिए और बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ बिफोर गेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूँ, सब कुछ लेके आने वाला हूँ आप सबके लिए। ठीक है, गेट से रिलेटेड, ठीक है, गेट 2023 से रिलेटेड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार जो अगर आप करके चले गए ना तो आपके आराम से 70 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके लेके आ रहा हूं, बट करना क्या है उसके लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल बटन को हिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट से। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।